नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ दिव्या विजयवर्गीय। एमपी न्यूज के न्यूज रूम से बात करेंगे हम अब तक की कुछ मुख्य खबरों को लेकर। मध्य प्रदेश की चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और ऐसे में चुनावी बिगुल फूंकने के लिए आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आए। ऐसे में बड़ी तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए आतुर थे, जहां कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता और मंत्रीगण राहुल गांधी को वहाँ एयरपोर्ट पर लेने के लिए गए, उनका स्वागत किया। तो ऐसे में राहुल गांधी भी पूरी सादगी के साथ आज अपनी पर्सनालिटी को कैरी किए हुए थे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि राहुल गांधी जब एयरपोर्ट से आए तो उन्होंने अपना रोड शो, उनका प्लान था कि उनको भोपाल में 13 किलोमीटर का रोड शो करना है, पर ऐसे में उनके रोड शो से पहले उन्होंने 11 पंडितों का आशीर्वाद लिया, उसके बाद उन्होंने कन्या पूजन किया। कन्या पूजन करने के बाद फिर वो रोड शो के लिए आगे बढ़े। ऐसे में उनका रोड शो में बड़ी तादाद में लोग जो हैं, लोगों का हुजूम वहाँ पर उमड़ा। कहीं ना कहीं भोपाल आज कांग्रेसमय नज़ारे में एक तरीके से पूरी तरीके से पूर्ण था। कांग्रेसमय नज़ारा वहां पर देखने को मिल रहा था। और राहुल गांधी भी चूंकि इस बार हिंदुत्व की राह पर चल रहे थे, सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलते हुए दिखाई दे रहे थे, तो ऐसे में उन्होंने भी कोई मौका नहीं हाथ से गंवाया, जिससे कि उन को और उनकी पार्टी जो है वो प्लस पॉइंट में आए। तो ऐसे में देखा गया कि राहुल जहां बस में सवार होकर अपना रोड शो कर रहे थे, तो वहीं उन्होंने अपनी बस को रास्ते में रुकवा कर चाय की दुकान पर चाय की चुस्कियां भी ली, समोसे का स्वाद चखा। वहां पर कुछ युवा खड़े थे, उन्होंने जैसे ही सेल्फी लेने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की तो राहुल गांधी बिल्कुल इससे हिचकिचाए नहीं और उन्होंने सेल्फी लेने के लिए हाँ किया, तो युवाओं के साथ सेल्फी लेते हुए भी दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं जहाँ राहुल गांधी का एक अलग आज पर्सनैलिटी और एक अलग रंग देखने को मिला है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो वीडियोज़ अब उनके वायरल हो रहे हैं तो राहुल गांधी लोगों को और सबसे ज़्यादा युवाओं को साधते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे में वहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारे कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जीत का मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया और जीत एक लक्ष्य है, इस तरीके की बात जो है वो आज उनकी सभा से देखने को मिल रही थी। उसी के साथ में बीजेपी पर जहाँ जमकर निशाना साधा, तो वहीं राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तुलना सचिन तेंदुलकर से की है। जी हाँ, आश्चर्य ज़रूर होता है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की तुलना सचिन तेंदुलकर से कैसे, राजनीति की तुलना खेल जगत से कैसे हो सकती है, पर भाई ये राजनीति है, यहाँ सब कुछ जायज़ है और एक तरीके का खेल ही है ये, कभी हार होती है तो कभी जीत। ऐसे में आज राहुल गांधी ने कहा कि जैसे सचिन तेंदुलकर है कि वो हमेशा रन ही बनाते हैं, जैसे मैदान में जाएंगे वैसे पता होता है कि वो रन बनाएंगे ही बनाएंगे, इसलिए उनको रन मेकिंग कहा जाता है। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान को घोषणा मेकिंग कहा जाता है, वो जब भी जो है मैदान में जाते हैं तो हमेशा घोषणाएं पर घोषणाएं करते हैं, इसलिए उनको राहुल गांधी ने घोषणा मशीन कह दिया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जितनी भी सीएम शिवराज आए दिन घोषणाएं करते हैं और जो भी सौगात जनता को दे रहे हैं, तो उसी पर पलटवार जो है वो राहुल गांधी ने किया है। और ऐसे में उनका ये मध्य प्रदेश की जो परेशानियां हैं, बलात्कार और साथ ही घटनाएं जो बढ़ती जा रही हैं, उसी के साथ में लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तो ऐसे में पूरी तरीके से उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर युवाओं को खास तौर पर साधते हुए उन्होंने निशाना साधा है। बेरोजगारी को लेकर भी उनका जो निशाना था वो शिवराज सरकार पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। अब आज जो है इस पूरे मामले को लेकर इंदौर में पहुंचे थे बीजेपी प्रदेश महामंत्री वीडी शर्मा, तो उनसे जब इस पूरे मामले को लेकर बात की गई तो उन्होंने राहुल गांधी पर चुटकी भी ली। उसी के साथ में उनका ये भी कहना है कि राहुल गांधी तो इस तरीके की सभाएं करते रहेंगे और वो यहाँ करें चाहे वो कहीं और रोड शो करें, बीजेपी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनका शो तो हर किसी ने, या हम कहें कि उनका शो तो जनता ने संसद में देख लिया था, तो अब उनके किसी भी शो से हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, जनता उनका शो देख चुकी है। उसी के साथ उन्होंने कमलनाथ पर भी जमकर निशाना साधा है। उनका कहना है कि कमलनाथ जो हैं वो कॉरपोरेट घराने के नेता हैं, तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि ये जो बीजेपी की तरफ से पलटवार आया है, ये जो बीजेपी की तरफ से निशाना साधा है, क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी जमकर निशाना साधा है,
राहुल गांधी पर, तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या कांग्रेस इस पर कुछ पलटवार करती है या फिर अपने कदम यूं ही बढ़ाती रहेगी और इतने समय के बाद सत्ता पर काबिज होने के लिए, या हम कहें कि सत्ता का स्वाद जो कांग्रेस चखना चाहती है वो उसको मिलता है और जनता का साथ कितना मिलता है कांग्रेस को, ये देखने वाली बात होगी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर आ रही है कांग्रेस में जहां टिकट की टिक-टिक जारी है, तो ऐसे में अब संकेत मिल गए हैं पहली लिस्ट आने की कि पहली सूची कब जारी होगी, क्योंकि 2 से 3 डेट जो हैं, तारीख जो हैं, वो बदल चुकी हैं। जब कांग्रेस ने बताया था कि उनकी इतनी तारीख को पहली लिस्ट जो है वो जारी हो जाएगी, पहली सूची जारी हो जाएगी, ऐसे में अब कमलनाथ ने संकेत दे दिए हैं कि 25 सितंबर को उनकी पहली जो सूची है वो जारी हो जाएगी। किन किन लोगों के नाम हैं, कौन कौन उनके उम्मीदवार हैं जो कांग्रेस की तरफ से अपनी दावेदारी जताएंगे और जीत का परचम लहराने में कांग्रेस की मदद करेंगे, तो ऐसे में अभी तो ये उन्होंने इसकी घोषणा नहीं की है कि कौन कौन उसमें दावेदारी इस बार जता रहे हैं, पर 80 से 100 नाम होने की बात यहाँ पर सामने आई है और कहीं ना कहीं ये जो पहली सूची है कांग्रेस की, ये गेम चेंजर के रूप में होगी, कहीं ना कहीं पूरे खेल को पलट कर रख देगी ये पहली सूची। तो सबकी निगाहें जो हैं वो कांग्रेस की पहली सूची पर टिकी हुई है, हालांकि इसमें 2 डेट्स पहले भी दी थी। क्या 25 सितंबर को वाकई पहली लिस्ट या पहली सूची जारी हो जाएगी, ये देखने वाली बात होगी, पर कहीं ना कहीं ये संभावना जताई जा रही है कि जो पहली सूची आएगी कांग्रेस की वो एक गेम चेंजर के रूप में होगी। 80 से 100 नाम इसमें फाइनल किए गए हैं, ये बात खुद कमलनाथ द्वारा कही गई है। तो ऐसे में किस तरीके से कांग्रेस कदम से कदम बढ़ा रही है, सॉफ्ट हिंदुत्व पर चलकर सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ रही है और अब दूसरे धर्म को साधना तो कांग्रेस हमेशा करती आई है, पर ऐसे में हिंदू धर्म को भी अब साधने में कांग्रेस निकल पड़ी है और पूरी तरीके से बीजेपी के लिए दिन ब दिन संकट के घेरे जो है कांग्रेस खड़ी करती आ रही है। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। अगली खबर आ रही है इंदौर से। इंदौर जहां 2 बार स्वच्छता सर्वेक्षण में 2 बार इंदौर ने अपनी जीत का परचम लहराया है और नंबर 1 का ताज अपने माथे पर सजाया है, तो ऐसे में तीसरी बार एक बार फिर निगम ने कमर कस ली है और शुरू कर दिया है मिशन एक बार फिर इंदौर को नंबर 1 बनाने का। जी हाँ, स्वच्छता का संकल्प इंदौर शहर दिलाता है और देश के जगह जगह से लोग आकर सर्वे करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्या कर रहे हैं इंदौरवासी या ऐसा क्या कर रहे हैं इंदौर के जिम्मेदार कि इंदौर 2 बार से लगातार स्वच्छता में नंबर 1 बन रहा है। ऐसे में एक और बड़ा कदम उठाया है, डिस्पोजल फ्री बनाने का ये मिशन है और इसमें अब पूरी तरीके से निगम की तैयारी शुरू हो चुकी है। 3 इसमें जगह जो है वो चिन्हित की गई हैं, इंदौर का सबसे प्रसिद्ध 56 दुकान, सराफा बाजार और मेघदूत चौपाटी जो है उसको डिस्पोजल फ्री बनाना है। अधिकांश आप और हम देखते हैं जब भी कुछ खाने के लिए जाते हैं तो हमें जो भी वो सामान होता है, जो भी खाने की वैरायटी होती है, वो हमें डिस्पोजल में दी जाती है, तो ऐसे में अब डिस्पोजल जो है अब मार्केट में नहीं दिखेगा। अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर को अब डिस्पोजल फ्री बनाने की कवायद तेज़ हो गई है और ये अपने आप में सबसे बड़ा कदम होगा इंदौर का। और अगर ऐसा हो जाता है तो एक बार फिर इंदौर पर हमें गर्व होगा और इंदौर एक बार फिर हमें पूरे इंदौर वासियों का सर गर्व से ऊंचा करने की तरफ अब बढ़ चुका है, क्योंकि इंदौर शहर 3R कंसेप्ट की तरफ कदम बढ़ा रहा है। ऐसे में वो दिन दूर नहीं है जब जल्द ही इंदौर शहर डिस्पोजल फ्री बन जाएगा। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो रतलाम से आ रही है। रतलाम की कलेक्टर रुचिका चौहान ने एक नया फॉर्मूला आजमाया है। उन्होंने जो सर्वे किया था उसमें ये देखने को मिला था कि कई जगह लोग मतदान नहीं करते हैं, लोगों में जागरूकता नहीं है, तो लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए, लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए उन्होंने एक नया फॉर्मूला निकाला है। हमें मतदान करना है और ये जो है सोशल मीडिया पर अब तेज़ी से वायरल हो रहा है। ये एक वीडियो बनाया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लोग देख रहे हैं और सराहना कर रहे हैं कलेक्टर की, काफ़ी पसंद कर रहे हैं उनके काम को, उनके विजन को, क्योंकि
कई जगह लोग करना चाहते हैं मतदान, पर लोगों में जागरूकता नहीं है, उनको ये नहीं पता है कि आपका और हमारा एक एक व्यक्ति का मतदान कितना ज़रूरी होता है। सरकार को बदलना, सरकार को कौन सी सरकार लाना है, ये एक एक नागरिक की जिम्मेदारी होती है। और अगर एक एक नागरिक अगर मिलकर मतदान करे तो हमें एक अच्छा नेता जो है, एक अच्छा जिम्मेदार व्यक्ति हमें मिल सकता है। तो ऐसे में जो फॉर्मूला आजमाया है रतलाम कलेक्टर रुचिका चौहान ने, उनके काम की हर कोई सराहना कर रहा है। कहीं ना कहीं हाईटेक तरीके से अब हर मतदाता जागरूक हो रहा है यहाँ पर। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे जो इंदौर से आ रही है। वैसे तो पूरे मध्य प्रदेश में पर्यटन विभाग द्वारा सिटी वॉक फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जहां हर शहर की जो धरोहर है, वहां की जो स्पेशलिटी है, उसको तराशा जा रहा है और जनता के सामने लाया जा रहा है, दुनिया के सामने लाया जा रहा है। ऐसे में आज इंदौर में टीम आई थी और उन्होंने इंदौर के जगह जगह जो, जिसकी वजह से इंदौर ने अपनी प्रसिद्धि कायम की है, इंदौर अपना एक नाम, एक परचम लहराया पाया है। तो ऐसे में एक जो खास बात है इंदौर की, जिसकी वजह से इंदौर को सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक पहचान मिली है, वो है इंदौर का खाना। क्योंकि इंदौर और इंदौरवासी जो हैं खाने के बड़े शौकीन होते हैं। ऐसे में इंदौर की दो जगह हैं, एक तो सराफा और एक छप्पन दुकान, जो काफ़ी फेमस हैं और वहाँ का लजीज व्यंजन जो है हर किसी को चटोरा बना देता है। तो ऐसे में आज जो सिटी वॉक फेस्टिवल है वो छप्पन दुकान पर आयोजित किया गया, जहाँ पर टीम को रूबरू कराया गया इंदौर के जो खास व्यंजन है, जो छप्पन दुकान की वेराइटीज़, फेमस वेराइटीज़ में शामिल हैं, तो उसका टेस्ट उनको कराया गया, साथ ही उसकी स्पेशलिटी बताई गई, आखिर क्या है वो व्यंजन और क्यों वो इतना फेमस है। तो ऐसे में हर किसी ने काफ़ी पसंद किया और लजीज व्यंजनों के बारे में जानकारी दी और सभी को हमारे इंदौर शहर के हर जायके का स्वाद चखने को मिला और सभी ने खूब तारीफ की, इंदौर की भी और इंदौर वासियों की भी। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। अगली खबर आ रही है सागर के देवरी से, जहाँ पर एक 7-8 साल की एक मासूम थी, उसके साथ में दुष्कर्म किया गया है। अब आपको मैं बता दूं कि चुनावी साल है और ऐसे में ये पहली खबर नहीं है जो हम इस तरीके की नेगेटिव खबर पढ़ रहे हैं, या हम कहें कि दुष्कर्म और बलात्कार की खबर पढ़ रहे हैं। कई सारी ऐसी खबरें हैं जो, या हम कहें कि महीने में एक या दो खबर हमें सुनने और देखने को मिल जाती है। तो कहां से हम कहें कि सरकार इसमें कोई बड़ा कदम उठा रही है, क्योंकि भले ही फांसी की सज़ा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दे दी है कि फांसी अगर ऐसा कोई कृत्य करता है तो पूरी जानकारी, पूरी तहकीकात होने के बाद ऐसे व्यक्ति को फांसी की सज़ा होना चाहिए। वो सर्वे सर्वा है मध्य प्रदेश के, उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी है, पर ऐसे में कहाँ है वो डर अपराधियों में, कहाँ है वो डर बलात्कारियों में, क्योंकि ये घटनाएँ बढ़ती ही जा रही है और सरकार चाहे जितने भी दावे कर ले, मध्य प्रदेश में दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ने की बजाय, घटने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। और ये हमारे लिए और हमारे पूरे मध्य प्रदेश के लिए शर्म की बात तो है ही, और एक डर पैदा करती है हर उस माँ के दिल में जो एक बेटी की माँ बनकर बैठी हुई है। तो यहाँ पर 7 से 8 साल की वो मासूम बच्ची, जो उसकी माँ नहीं थी वहाँ घर में, उसकी माँ काम पर गई हुई थी और वो बच्ची जो है वो कंडे बीनने का काम कर रही थी। तो ऐसे में उस जो अज्ञात व्यक्ति था उसने उसके साथ दुष्कर्म किया और फरार हो गया। हालांकि पुलिस उस व्यक्ति की तलाश कर रही है, वो बच्ची कुछ बता नहीं पा रही है। 10 दिन यूं ही गुजर गए, 10 दिन तक उस बच्ची ने कुछ नहीं बता पाई अपनी माँ बाप को, और जब उसकी तबीयत बिगड़ी तो फिर उस बच्ची से पूछताछ की तो उस बच्ची ने उस अज्ञात युवक द्वारा इस तरीके का कुकृत्य करना बताया उसने। उसके बाद पुलिस हरकत में आई, पुलिस अब उस अज्ञात व्यक्ति की तलाश कर रही है और उस व्यक्ति पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा भी, पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो चुका है। पर देखने और समझने वाली बात यह है कि आखिर इस तरीके की घटनाएं मध्य प्रदेश में थम क्यों नहीं रही हैं। सरकार चाहे जो भी बन जाए, कोई सी भी सरकार आ जाए, पर लड़की और बच्चियों के साथ में, महिलाओं के साथ में जो गलत हरकत हो रही है उसकी रोकथाम कौन करेगा, कौन कैसे होगी उसकी रोकथाम, क्योंकि फांसी से बढ़कर कोई सज़ा नहीं होती है। और फांसी की अगर सज़ा हो गई है तो उसके बाद तो ये सोचने में आया था कि कहीं ना कहीं इस तरीके की घटनाओं पर अंकुश लगेगा, सरकार सजग होगी, सरकार और जिम्मेदार जो है वो हरकत में आएंगे और इस तरीके के जो आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं उनमें कहीं ना कहीं इस तरीके की मनोवृत्ति बनेगी कि अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो हमें फांसी ना हो जाए, तो शायद इस तरीके की जो घटनाएं हैं उसमें रोक लग पाती। पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि हर महीने 2 महीने में इस तरीके की 1-2 घटनाएँ सामने आती हैं और पूरे मध्य प्रदेश को शर्मसार कर देती हैं। देखने वाली बात होगी कि पुलिस कब इस आरोपी को पकड़ पाती है
और कौन सी सजा से इसको रूबरू करवाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें, आगे भी ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए एमपी न्यूज़ के साथ। एमपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम से फिलहाल इतना है। धर्मेंद्र यादव के साथ दिव्या विजयवर्गीय, एमपी न्यूज़।